हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मैं खुद एक रेलवे के स्टाफ हूँ जो ग्रुप डी इंजीनियर डिपार्टमेंट से हूँ। तो चलिए आप वीडियो शुरू करें। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक नोटिस है NTPC 7th फेज एग्ज़ाम रिगार्डिंग वायरल हो रहा है, तो इस वीडियो में बताया जाएगा क्या वो नोटिस की सच्चाई क्या है, क्या NTPC का एग्ज़ाम आपका 28, 29, 30 को होगा, या नोटिस रियल है या फेक है, रियल है या फेक है। तो आप लोगों को बता देना चाहिए, अभी तक वैसा कोई भी नोटिस ऑफिशियल नहीं आया, कोई भी साइट पे नहीं आया। तो इस तरह का नोटिस पे अभी आप ध्यान नहीं दिए, ये नोटिस रियल है या फेक इसका भी कोई पुष्टि नहीं हुआ किया गया। लेकिन अभी तक माना जा रहा है कि नोटिस का अपडेट नहीं हुआ कोई भी वेबसाइट पे, तो इसे फेक ही समझा जा रहा है। तो आप लोगों को बता दें, अभी आप अपने तैयारी पे लगे रहें, इसी तरह के कुछ नोटिस पे अभी ध्यान रहे, जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आपको मिले तो अपना तैयारी कीजिए। और बता दें जो एग्ज़ाम जैसे ही होगा उसके 2 वीक बाद आपका ग्रुप डी 7th फेज का एग्ज़ाम भी हो, ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। जैसे कि नोटिस आप देख सकते हैं, ये नोटिस है जो वायरल हो रहा है, जिसमें सेम वैसे ही नोटिस बनाया जाता है जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7th फेज फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम जो है 28 से 30 जून को होगा, 4 लाख स्टूडेंट है, सेम वैसे ही नोटिस बनाया जाता है। तो आप इस तरह के नोटिस पर ध्यान अभी ना दें जब तक आपको ऑफिशियल नहीं मिले। तो आप इस तरह के वीडियो पाने के लिए, इस रेलवे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।